मैं हूँ अर्चना और ये मेरा YouTube पे फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं आप सबके साथ अपने सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आपको अपने डिलीवरी टाइम में कुछ हेल्प मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने डिलीवरी के टाइम पे क्या किया और क्या नहीं किया। सो मैं पहले आपसे ये शेयर करूंगी कि मुझे अपनी सिजेरियन डिलीवरी क्यों करवानी पड़ी। एक्चुअली मेरी डिलीवरी 18 अप्रैल को हुई, जो कि इस वजह से हुआ सिजेरियन क्योंकि मेरे बेबी का मूवमेंट एकदम बंद हो चुका था। सो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो कुछ लोगों ने डराया, कुछ ने सपोर्ट किया कि ठीक है सही है करवा लो, लेकिन कुछ का कहना था कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट होती है, सिजेरियन के बाद आप अपना पहले वाला लाइफस्टाइल नहीं जी सकते या ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी, सब ने बोला। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, था कि सिजेरियन डिलीवरी कराना है और जिससे कि मैं और मेरा बेबी एकदम सेफ रहे और मतलब अच्छे से मेरी डिलीवरी हो सके। सो इसके लिए मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। तो मेरे सिजेरियन डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मतलब डाइट प्लान या ये सब एडवाइस किया था और कुछ प्रिकॉशंस यूज करने बोले थे, जिसमें है वो तो सबको ही पता होगा कि सिजेरियन के बाद आप हैवी वेट नहीं मतलब उठा नहीं सकते एंड आपको खाने पीने में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब कुछ भी स्पाइसेस या कुछ हार्ड चीजें आप नहीं खा सकते। सिजेरियन के बाद सबसे अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें। ये सब मैंने उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया पर जितना हो सकता था किया, क्योंकि मेरी डिलीवरी मुंबई में हुई है वो भी लॉकडाउन पीरियड में, तो सब कुछ मिलना पॉसिबल ही नहीं था। जितना था उतने में ठीक है कि हाँ ये सब फॉलो कर लो और इसी से अपने डाइट को मैनेज करो जिससे कि मैं भी हेल्दी रह सकूं और अपने बेबी को जब मैं फीड कराऊं तो वो भी मतलब ये सब चीजों से बचे रह सके किसी भी बीमारी या किसी भी उससे। मैंने अपने डिलीवरी के बाद ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट फॉलो की और यही एडवाइस मैं आप सबको भी दूंगी कि मैंने ज्यादातर लिक्विड पे कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे कि वेजिटेबल सूप या गर्म दाल दूध जो कि आसानी से मिल सके, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में वेजिटेबल सूप भी पॉसिबल नहीं होता था। कई बार होता था कि मतलब सब्जी मिलना भी मुश्किल हो तो आप उसका सूप कैसे बनाएंगे। तो लॉकडाउन पीरियड में बहुत कुछ था कि ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, पर घर में जितनी भी चीजें थी उन सबसे मैंने अपने लिए हेल्दी डाइट मैनेज किया, जैसे कि गर्म दूध पी लेना या गर्म दाल, और खास तौर पे आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। ये तो मतलब मुझसे तो ये फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी थी, तो मैं स्टार्टिंग के 10 या 15 दिन गर्म पानी के बाद फिर मैं ठंडे पे आ गई, मतलब नॉर्मल पानी पे आ गई। और गर्म पानी पीने से आपके स्टिचेस जल्दी से जल्दी हील होंगे, जैसे कि जो भी आप खाएंगे वो भी आराम से मतलब सब डाइजेशन होगा और आपको अंदर से खुद बहुत लाइट फील होगा, जैसे कि आप गर्म पानी पिए या मतलब लगे कि हाँ ठीक है पानी नहीं पी पा रहे, गर्म दाल या दूध हल्दी वाला दूध या वो टाइम पे अलग अलग तरह के लड्डू और ये सब बनते हैं वो सब आप मतलब खाइए, जो ड्राई फ्रूट लड्डू मेथी के लड्डू या आजकल हमारी मम्मी या दादी माँ लोग सिठौरा और ये सब बनाते हैं वो सब खाइए, वो सब हेल्दी भी रहता है। तो ये सब आपको अपने डाइट में फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके सिजेरियन रिकवरी अच्छे से हो सके। आपको अपने इंटरनल स्टिचेस के साथ साथ एक्सटर्नल स्टिचेस का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा जिससे कि आप आगे जाके अपनी हेल्दी लाइफ जी सके, मतलब जैसे आपका पहले का लाइफस्टाइल था वही आप आगे भी जाके फॉलो कर सके। आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा। मेरी डिलीवरी के बाद मैंने कुछ कुछ चीजें फॉलो की, मतलब पूरा तो नहीं फॉलो हो पाएगा बिकॉज वो पीरियड ही ऐसा था, मतलब एक तो मुंबई ऊपर से वहां पे कोरोना का कहर, हर चीज मिलना मुश्किल था, फिर भी मतलब जितना था उतने में मैनेज हो गया सब और टच वुड मेरी डिलीवरी टाइम अच्छे से सब कुछ मैनेज हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वही सब मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि मतलब सब कुछ अगर आप फॉलो भी नहीं कर सकते कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिजेरियन के बाद भी जी सकते हैं। गर्म चीजें खाना पीना, ड्राई फ्रूट्स लेना या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और ये सब छोटी मोटी चीजें, या तो डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक गर्म हलवे वगैरह भी खाते हैं कुछ लोग, मतलब स्टिचेस ठीक हो जाए। वैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ज्यादा मीठा ना लें, तो आप अपने हिसाब से ये सब मैनेज कर सकते हैं कि आपको कैसा खाना है
या ज्यादा स्पाइसेस नहीं लेना है, ये सब सिजेरियन के बाद डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ये नॉर्मली मतलब अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आप तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। 15 दिन के बाद ही आपकी रोजमर्रा की लाइफ वैसे की वैसे ही शुरू हो जाती है, बट सिजेरियन के बाद बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है जिससे कि आप नॉर्मल जी सकें। तो मैंने कुछ कुछ चीजें फॉलो की थी, मतलब पूरा फॉलो करना तो मुश्किल ही था, लेकिन कुछ कुछ फॉलो किया जिससे कि अभी मेरी सिजेरियन डिलीवरी के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आराम से अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो जिसकी भी सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि ये सब कहने की बातें हैं कि अरे सिजेरियन होगा कैसे, मतलब बहुत प्रॉब्लम होंगी, ये होगा वो होगा, पेन होगा, या बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे, सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद भी। तो ये था मेरा सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। आगे मैं इस टॉपिक पे आपसे और भी कुछ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।